भाग्यशा। वैसे तो आपने कई वाक्य सुने होंगे, लेकिन 40 वर्ष की उम्र में सरकारी महकमे में संघर्ष करना और जीत मिल जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसी ही बात एक 80 वर्षीय रेगी की है और आइए जानते हैं उनका पूरा संघर्ष। नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं रवि धाकड़, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रेगे जी। आइए जानते हैं उनसे कि 83 साल की उम्र में पर्यटन विकास के खिलाफ कैसे जीती उन्होंने कानूनी जंग। सर बताइएगा जी। सर थोड़े में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रकरण क्या था। प्रकरण ऐसा था कि करीब 3 साल पहले यानी 2016 में जी, हम लोग मांडू गए थे। मांडू में दो मतलब एक रूम और एक टेंट हाउस बुक किया था। 6 लोग थे हम। तो टेंट में मतलब जैसे ही मैं उसमें अंदर रहने मतलब दोपहर में प्रवेश किया तो थोड़ी देर में उसमें आग लग गई। उसके पहले उसमें कुछ इलेक्ट्रिक काम चल रहा था तो उन्होंने हमको रोक के रखा था। बोले साहब थोड़ी देर रुकिए, आपको देर लगेगी। यानी मतलब यह था कि वो इलेक्ट्रिक का जो था वो सही नहीं हुआ मेरे हिसाब से, इसी कारण है कि थोड़ी देर में आग लग गई। तो अब इस जगह मतलब अभी जैसा मैं बैठा हूँ, इससे 6 इंच के पीछे में उसका पर्दा था टेंट का, और जो पलंग था वो उसमें लकड़ी का पलंग और फोम की गद्दी। तो टीवी देखते बैठा था, इतने में आग लगी तो मेरे को तो आइडिया नहीं हुई, जरा वो फड़फड़ाया पीछे से। मेरा पोता मेरे को चाय दे के गया था वहाँ के, 2 मिनट पहले मैं पी रहा था तो बाहर से उसने आग देखी तो चिल्लाया कि पापा आग लगी है, बाहर आइए जल्दी। तो मैं वैसे ही जैसा बैठा था मतलब बनियान में इसमें, तो दौड़ के मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद जैसे मेरे को पता लगा कि आग लग गई है तो मेरा सब सामान सब था, मोबाइल रेडियो जितना भी लेके बैठा था, कुछ भी मैं उठा नहीं पाया। तो मैंने कोशिश की कि एक बार जाके उठा लूँ, पर वो तो आग ने दरवाज़ा वरवाजा सब 5 मिनट में तो पूरा टेंट ही जल के राख हो गया। वो उसी समय वहाँ पे संवाददाता भी थे, उन्होंने भी उसका वो लेके दूसरे दिन पेपर में छापा था, और उनके भी आदमियों ने आके पूछा सब क्या आपका था। मैंने कभी मेरा सामान था उसमें, अकेला मेरा एक बैग था उसमें मेरे कपड़े वगैरह, कैमरा है उसमें, पैसे थे मेरे नकदी। उसके बाद जब 3 दिन के लिए रहने को जो आदमी जाए उसके साथ में जो हो सकता है वो सब था। और मैं जैसी हालत में मतलब पैंट और बनियान में बैठा था, बस वही मेरा बच्चा है, बाकी सब पूरा जल गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो इतना शॉक लगा था कि जिसमें मतलब कह नहीं सकते कि वो उस हालत में कुछ बोलने की या इसकी वो रहे स्थिति। तो और होली के दिन थे वो, तो वापस भी नहीं आ सकते थे हम, क्योंकि होली का दिन था तो वापस आके होली में दिक्कत होती। तो किसी तरह से वहाँ पे 2 दिन और निकाले। 2 दिन निकालने के बाद तो उन्होंने निकलने के टाइम पूछा साहब आपका नुकसान आ रहा है। हमने कहा भैया अभी नुकसान की बात कर रहे हैं, अभी हमारा जान बच गई हुई, हम ये अभी उससे शौक से ही नहीं उभर पाए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसका तो ठीक है, पर ये मेंटल शॉक वगैरह का हम पैसा चाहेंगे आपसे। तो उनके मैनेजर ने कहा नहीं साहब वो तो मेरे पावर में नहीं आता, आप हमारे इंदौर ऑफिस को लिखिए। मेरा ठीक है इंदौर को लिखेंगे। तो उसने वहाँ लिया नहीं, मतलब बोला था कि भाई हमको वो भी लगेगा तो आप, नहीं नहीं बोले साहब उसमें सामान का होता तो देख लेता। तो हमने कहा नहीं सामान के साथ हमें वो भी चाहिए, मतलब इसका मानसिक त्रास के लिए। तो उसने कहा 3 दिन बाद ही, मतलब यहाँ आने के 3 ही दिन बाद हमने इनके रीजनल ऑफिसर जो है यहाँ पे इंदौर में, उस टाइम मिस्टर कौन थे पता नहीं, बाद में मैंने जब कॉरेस्पॉन्डेंट शुरू किया तब मिस्टर एसके गुप्ता थे वहाँ, तो उनको क्लेम भेजा हमने कि 1,21,000 का, कि साहब हमारे 20,000 नकदी थे, उसमें सामान जो कपड़े वगैरह थे वो करीब 20,000, कैमरा और मोबाइल मिल के 18,000, ये तो इसका हो गया। उसके बाद में ये कि ये जो कोर्ट कचहरी करवाई है उसके लिए कम से कम 10,000 रुपया हमको दीजिए। दूसरा ये कि मानसिक त्रास के लिए हमको उसका, पहले 50,000 मांगा था कि भाई इसमें दीजिए, और जब उन्होंने ये घुमाना शुरू किया, ये चक्कर देना 1.5-2 साल लग गए, तो जब मैंने एक्चुअल केस पुटअप की तब मैंने उसमें लिखा कि मेरे को अब 1,00,000 चाहिए मानसिक त्रास। तो अब ऐसी हालत में तो उन्हें क्या उनका कहना था, नहीं सर आपने निकलते वक्त हमको लिख के नहीं दिया कि सामान आपका जला है, अब ये कौन सा नियम है कि उसी टाइम देना चाहिए, जबकि उन्होंने खुद ने FIR दूसरे दिन लिखवाई जो कि उसी टाइम लिखवाना चाहिए। पर वही था कि उनके एक्चुअली क्या हुआ था, शायद उन्होंने पटक के रखा जब वो मतलब मैंने 1.5 साल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो जब CM को लिखा तो CM हेल्पलाइन ने उनको पूछा कि भाई क्या आपका यह है, तो वो घबराया, फिर उन्होंने ही कर दिया जल्दी जल्दी में कि नहीं सर इनका सामान था ही नहीं उसमें और ये इन्होंने गलत क्लेम किया है, ये ऐसा उनको जवाब दिया, हमको तो कुछ भी नहीं दिया। और वो लाइन मतलब CM हेल्पलाइन ने बोल दिया कि सब ये इसमें उन्हें निराकरण कर दिया है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद दूसरी बार वो एक नंबर दिया, ठीक है एक बार और देखते हैं, दूसरी बार भी वही कर दिया।
उसके बाद 3 लेटर उनको सीएम को लिखे, गवर्नर को लिखे, प्रधान, वो सारे के सारे उन्होंने मतलब उसको वो कर दिया, क्योंकि उनके जो मुख्य प्रमुख थे वो उस टाइम सीएम हेल्प से सॉरी सीएम सचिवालय में भी सचिव थे, इधर नीचे इधर एमडी भी थे इस तरह से, तो वो उनका ही वो था, तो उन्होंने उसका प्रेशर डाल के वो कर दिया। तो 2 साल 2.5 साल मतलब परेशान होने के बाद फिर मैंने कोर्ट में इसमें कंज्यूमर कोर्ट में लगाया कि साहब ये मेरा है और इसमें मेरे को ये चाहिए, देखो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2-4 उसमें तो उन्होंने मतलब वो टाला टाली की कभी वो तो उनको तो कोई आना नहीं था, तो उनके वकील आते थे और वो अच्छा ये जो लगाया था क्लेम मैंने 3 अधिकारियों के लिए लगाया था, एक मांडू के मैनेजर मिस्टर इलियास हैं वो, उसके बाद यहाँ के एस के गुप्ता जो उस टाइम में मेरे को जवाब दिया था, जी उनने उनको जवाब दिया था, रीजनल मैनेजर पर्यटन के यहाँ पे इंदौर के, और उनके एमडी मिस्टर हरिरंजन राव, उनको दिया था कि साहब ये तीनों ही मेरा केस को मतलब जानते बूझते अटका रहे थे। सो उनकी तरफ से पहले तो कुछ आया नहीं, पर कोर्ट को उन्होंने पहले जवाब ये दिया कि साहब पहले ये देख दिया था कि साहब सामान इन्होंने नहीं बताया इसलिए इनका सामान नहीं था। मैंने कहा भाई ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि सामान हमने उस टाइम नहीं बताया, पर 3 दिन बाद तो बताया ना। अच्छा उस टाइम जब मैं आग लग के बाहर निकला तो उस टाइम उनके ही आदमियों ने पूछा और इनकी रिपोर्ट थी कि साहब उन्होंने हमको बताया कि मेरी एक बैग कैमरा ये सब रहा, ऐसा लिखित में उनकी रिपोर्ट थी, वो मैंने RTI में उनसे प्राप्त कर लिए थे। बाद में उन्होंने ये स्टैंड कर दिया कि जब देखा कि अब इसमें फंस रहे हैं तो उन्होंने ये कर दिया कि साहब टेंट इनके 2 टेंट थे तो इनके टेंट को आग नहीं लगी, उधर वाले टेंट को पार्शल मतलब पार्शल आग लगी उसमें जी। मतलब थोड़े में ये कि ये झूठ क्लेम कर रहे हैं, इनको इसका आग ही नहीं, और बोल रहे हैं कि साहब हमारे ऑफिस में आके इनने बताया कि साहब जब आग लगी तो हमारा अंदर कोई नहीं था और हमारा कोई नुकसान, और जब आग लगी नहीं है तो उसमें हम जाके क्यों बोलेंगे कि साहब उसमें हमारा कुछ नहीं था। पर अब जैसा भी हो उनकी, तो बाद में ये स्टैंड लिया तो उसके बाद में उनके से RTI से मैंने जो कागज पत्र प्राप्त की है उसमें FIR की रिपोर्ट थी, उनने बीमा कंपनी को लिखा था, उन्होंने अपने आपस के मतलब जो इंटरनल जो व्यवहार हुआ था उसमें कि साहब ये 2 टेंट पूरी तरह जल गए हैं इसलिए इसको बुकिंग से हटा दिया जाए वगैरह, ऐसे 7-8 लेटर्स उनके थे जो ये बता रहे थे कि 2 टेंट पूरी तरह जले हैं, जबकि ये एफिडेविट दे रहे थे शपथ के ऊपर ये तीनों कि साहब हम उसमें केस में आग ही नहीं लगी, पास के टेंट को लगी थी वो भी थोड़ा आधा जला पूरा नहीं जला। अब इतने बड़े अधिकारी इस तरह से झूठा वो दे रहे थे तो उसके ऊपर से जब वो 8 प्रूफ दिए, अच्छा उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था कि आग लगने के वक्त मतलब ये आग लगी नहीं पहली बात है इनके इसमें, या फिर इन्होंने इनका सामान कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ एक था कि वो फीडबैक जो लेते हैं जाते वक्त में उसमें नेचुरली अपन अच्छी बात ही लिखते हैं कि हाँ साहब इसमें ये थोड़ी लिखते हैं कि साहब आपने हमारा ये नुकसान इतने का करा दिया ये करा, तो साधारण तो बस एक वो प्ली छोड़ के कुछ नहीं था। तो ये सब बातें जब कोर्ट के सामने आई तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सही है कि इनको इसमें प्रूव हो गया है कि आग लगी थी, इनका सामान नुकसान हुआ है और इनको मतलब कुछ भी इन्होंने जवाब वगैरह भी नहीं दिया है। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर जो कोर्ट ने फैसला दिया उसमें ये फैसला दिया कि तीनों अलग अलग या मिलके मतलब थोड़े में पर्सनली देंगे ऑफिस की तरफ से नहीं, तो इनको मेरे को मतलब टोटल मिल के 42,000 रुपया 1 महीने के अंदर देने का ऑर्डर हुआ है, यदि 1 महीने के अंदर ये नहीं देंगे तो 8% ब्याज लगेगा, ये भी उनने आदेश किया है उसमें, और ये लिखा है उसमें कि भाई इनके पक्ष में हम और उनके विरुद्ध ये फैसला दे रहे हैं तीनों के। तो उसके बाद ये हुआ कि वो फैसला मिल जाने के बाद तो खैर अब जब मतलब 21 तारीख को हुआ था, अभी तो वो टाइम आया नहीं है वो पैसा देने की बात करते हैं, या ज़्यादा संभावना यही है कि वो ऑफिस की तरफ से देंगे या समझ के कि इसमें कौन देखने आता है घर से, मगर यदि वो पर्सनल है तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर एक तरह की मतलब शास्ति हुई है वो जी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।